बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस केवल जुबानी जमा खर्ची से काम चला रही है। इस बार 3 बाइक पर सवार होकर आए 6 बदमाशों ने एक डॉक्टर पर हमला बोला है। सुपौल जिले के जदिया थाने के जदिया बाजार में इस घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक होम्योपैथी डॉक्टर को 3 गोलियां मारी हैं। 3 गोलियां लगने से बुरी तरह जख्मी होम्योपैथ के डॉक्टर तारनी प्रसाद की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बेहद गंभीर हालत में तारनी प्रसाद को दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। DMCH में डॉक्टर तारनी प्रसाद का इलाज किया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। घटना से नाराज लोगों ने जदिया बाजार बंद कर दिया। वहीं घायल डॉक्टर के परिजन ने बताया कि कैसे बदमाशों ने तारणी प्रसाद को गोली मारी थी। वही स्थानीय निवासी ने कहा कि 3 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि भागते समय अपराधियों ने हवाई फायरिंग भी की थी। गांव के सभी लोग देखे कि 6:30 बजे अंधाधुन यहां पर फायरिंग हुआ जदिया, और जब तक हम लोग आए वो लोग बेखौफ होकर के बदमाश पूरब की तरफ रानीगंज की ओर वो लोग फायरिंग करते हुए निकला, और उसके पीछा कोई नहीं प्रयास नहीं किया, उसके पास हथियार था, कौन जाता उसके साथ। वही जख्मी डॉक्टर के पड़ोसी ने कहा कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर तारिणी प्रसाद का मिलनसार स्वभाव था। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद से सभी शांति प्रिय लोग बेहद चिंतित हैं। नहीं, बहुत मैडम बोल रही है कि बड़ा बाबू को हम बतला दिए हैं, तब से होम्योपैथ के अच्छे डॉक्टर थे और बहुत मिलनसार थे, कभी किसी से कोई झंझट नहीं था। मैडम आंगनबाड़ी में सेविका है, बेटा बाहर में नौकरी करता है, वहाँ रहा है। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैडम क्या जानती है, वो बड़ा बाबू को शायद बतलाई है। और लेकिन ये बहुत बड़ा जदिया में इस इलाके में अच्छे लोगों के लिए बहुत बुरा खबर है, लोग कैसे जिंदा रहेगा, यही दुखद खबर है कि इतने अच्छे लोगों को भी जान माल खतरा पड़ सकता है, तो हम लोगों का क्या होगा, ये बड़ी चिंता का विषय है। सारे लोग इससे चिंतित है और बाजार के सभी व्यवसायी इससे बहुत चिंतित। वही त्रिवेणीगंज के DSP गणपति ठाकुर ने कहा कि आसपास के CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वारदात में शामिल अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। DSP ने पीड़ित परिवार से भी जांच में सहयोग देने की अपील की है। ये सवेरे 6:30 बजे की घटना है, और गोली किस कारण से मारी गई है या कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, उनके परिजन लोग अभी बताने में सक्षम नहीं है। जिनको गोली लगी हुई है, तारनी प्रसाद मेहता जो होम्योपैथी डॉक्टर थे, उनका भी इलाज चल रहा है DMCH में, और हम लोग CCTV फुटेज और जो भी हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान है उसमें हम लोग लगे हुए हैं। जल्द हम लोग अपराध करने के पास पहुँच जाएंगे। यदि हम लोगों को उनके परिजन या जो जख्मी हैं डॉक्टर साहब यदि कुछ प्रकाश डालते हैं इसके संबंध में, तो हम लोगों को सुविधा होगी और अविलंब हम लोगों अपराध करने के पास पहुँच जाएंगे। सरेआम बाजार में अपराधियों ने जिस तरह से गोलीबारी की, उसे साफ हो गया है कि इलाके में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। पुलिस को जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि आगे से इस तरह की वारदात ना हो और शांति प्रिय लोगों में कानून और व्यवस्था के प्रति भरोसा बना रहे। पंजाब केसरी TV के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा की रिपोर्ट।